देता हुआ नजर आएगा। कभी कभी तो टॉप खिलाड़ी को सिक्योर भी कर देता है, काफी मुश्किलें होती हैं, बट देखते हैं क्या करते हुए नजर आएंगे। बट अभी के लिए आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर सारंग का एलिमिनेशन होता हुआ नजर नहीं आ पाएगा। पता है बिल्कुल, एक अच्छा एंगल इस प्रेगॉड के पास से देखने को मिल जाएगा। एडमिनो को टेक डाउन कर दिया और इसी एंगल के बारे में बात भी कर रहा था बाबा, बहुत बेहतरीन ये एंगल यहाँ पर निकलता हुआ नजर है। और देखते ही देखते पहला नॉक मिल चुका है, इसका मतलब है कि गॉड लाइक थोड़ी सी तो एसिम के ऊपर कुछ शॉट आते हुए, कुछ ग्रेनेड्स आते हुए, निंजा शॉट, जोनाथन को गाड़ी से उतारते हुए नजर आएंगे और फ्रैग को इंस्टेंट कंफर्म करेंगे, एडमिनो पे लेकर आएंगे और अब सारी जिम्मेदारी सिंप और एडमिनो के कंधे पे। निंजा चॉट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये पॉइंटर दर्शाता है कि उन्हें प्लेयर की जानकारी है, हाथ में उनके शॉटगन रहेगी, नीचे उनके प्लेयर होगा, बट क्या जंप किया जाएगा वो एक सवाल जरूर बनता है। प्लेयर को स्पॉट किया, लीजिए शॉटगन से एक और प्लेयर को घुटनों पे लाते हुए टी मैक्स स्पार्क अपनी स्पार्क से गॉडलाइक को ध्वस्त करती हुई और अब कहीं ना कहीं गॉडलाइक के लिए मुसीबतें बढ़ी हैं। हालांकि गॉडलाइक ने भी अपने एक प्लेयर को जेली को रिवाइवल दे दिया और एक और बार दो प्लेयर के साथ तैयार होते हुए नक्षत्र अभी तक सरवाइव करते हुए नजर आ रहे कार्निवल गेमिंग से और साथ ही साथ संस्कारी को स्पॉट करते हुए शैडो नजर आता हुआ नजर आ जाएगा। टोटल 7 फ्रैग्स यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। आतंकी को स्पॉट करते हुए यहाँ पर शैडो, एक अच्छा नॉक मिल चुका है। डायनासस आगे बढ़ना चाहते हैं, एक 1-on-1 की बैटल इंगेज करना चाहते हैं, मोलोटॉव थ्रो कर दिया, सामने से ग्रेनेड आते हुए नजर आएंगे, इस बारे में पता चलता हुआ और एक अच्छा 1v2 यहाँ पर शैडो की तरफ से आता हुआ एलिमिनेट करते हुए